Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, pyare bhai, kaise hain? Ji, alhamdulillah. Aap kaise hain? Main bhi theek hoon sir, aap momin hain? Ji, alhamdulillah, main momin hi hoon yaar. आपसे बातें शेयर करनी थी कुछ, लेकिन मैं हूँ मुसलमान था, अभी नहीं हूँ। हाँ। और बहुत अच्छा। कट्टर मुसलमान था, कट्टर। हाँ, कितने कट्टर थे आप? आप इंडिया से हैं? जी जी, इंडिया से। मैं पाकिस्तान से हूँ। ओके। अच्छा, मेरा नाम तो इतना कट्टर था कि ये जो आप कहते रहते हैं इंडिया मीडिया में हाफिज सईद ये वो अलग इस तरह के। हाँ। मैं उनकी जमात में चला गया था। अरे बाप रे, इतने कट्टर थे आप? इतने कट्टर था। हाँ। अच्छा, तो क्या हो गया ऐसा फिर? मैं छोटा था, तकरीबन 9th क्लास में पढ़ता था, 9th में। तो तब ऐसे घर से ना, जैसे स्कूल से डंकी लगाते हैं, तो वो लगा। और खानदान में ना एक दो हाफिज था, वो कहानियां सुनाते रहते थे मजादों की, ये देखो ये मुसलमान एक मजाद हो, मतलब कि हम मैं पाकिस्तान में कि एक बंदा बचपन में जो बच्चों के होता है, एक मुसलमान और 10 हिंदू एक बराबर होते हैं, कई बार 50 भी लगा देते हैं बचपन में, मतलब बच्चों की स्टोरियां जो होती हैं, एक हमारा फौजी और 10 हिंदू फौजी, इस तरह की मतलब के होती हैं बच्चों की। तो वही ये एक बच्चा ना अपने तस्वीर बना लेते हैं एक जहन में। तो वो ही तस्वीर बनी हुई थी, नगमे याद किए हुए थे ये मजादों वाले, बस कहते थे तो नफरत सिखाई जाती थी। हाँ बिल्कुल, मतलब वो नफरत, पता क्या, लोग लोग नफरत नहीं सिखाते, दरअसल उनको भी पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। वो मैं उनको गलत नहीं कहता, वो बेचारे ये कह लो कि जिस तरह ये भाई आया हुआ था, इसको पता ही कुछ नहीं था, ये जो पहले था मेरे से इस्लाम का, तो आके बस बेचारा दिफा करने आ गया था कि मैं कर लूं। मैं आपकी बात ना तकरीबन एक घंटे सुन रहा हूं, और एक भी कोई मैं खुद लॉजिक की बात ढूंढता हूँ, कोई बंदा तो करे। हाँ। वो जिससे आप पूछ रहे थे कि बताओ अल्लाह कैसे साबित करोगे, नहीं नहीं कर सकते आप, फिर भी ये बहस करते रहते हैं, इधर की बात इधर एक बात छोड़ेंगे दूसरी बात, और ये कहते हैं कि हम पीसफुल हैं। वो मैं आपको रियल स्टोरी बता देता हूँ, ये मेरी स्टोरी है खुद की, तो वो आपको बताता हूँ कि 9th क्लास में था, तो मैं इस्लामाबाद, जो पाकिस्तानी या कोई और मुसलमान सुन रहा होगा उसको पता होगा, पाकिस्तान इस्लामाबाद में मस्जिद है कुबा। इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है तो वहां पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतना ना शेयर करे कि आपको बाद में मुश्किल का सामना करना पड़े। हाँ, मेरा ये अब मेरा नाम तो नहीं ना आ रहा, ठीक है, मोहम्मद नाम दिखा रहा आपका। जी बोले मोहम्मद साहब। जी तो साइंस भी कहते हैं कि 30 साल के बाद बंदे का जो ब्रेन होता है वो ग्रो करता है, न्यूरो साइंस ये रिसर्च कर चुकी है। तो जो जब आप 19-20 साल के होते हैं ना, ये लड़कपन, ये बहुत आपको कट्टरपंथी है, किसी भी चीज में आप बना लो इसको, सैयद में बना लो, तो इसी तरह वो ही मेरा भी दिमाग था, वैसा ही था। तो मैं चला गया, मतलब कि एक दो का आपको जैसे बताया, खानदान में हाफिज था, उसने स्टोरियां बतानी मुझे, मैंने कहना वाह मुजाहिद ही बनना है, तो क्योंकि तब लगता था कि ये कोई अच्छी चीज है। तो घर से निकला ना, तो मैं चला गया वहां पे मस्जिद कुबा, वहां से फिर उन्होंने तस्दीक की कि इस तरह एक बच्चा है ये वो, तो उन्होंने मुझे फिर वहां से ट्रेनिंग के लिए भेजा। ये फिर भेजते हैं आपको ट्रेनिंग के लिए, मनसेरा हो गया, एबटाबाद हो गया, मरीज की हो गया, यहाँ पे ये ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ये लोगों को। जब वहाँ पे भेजेंगे, वहाँ पे आपको ये तैयारी करवाते हैं, और ये रियल है जो आप ये क्लेम करते हैं। अभी का नहीं मुझे पता, क्योंकि अभी मेरी उम्र जो है वो 25-30 के अराउंड है, तो ये तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, इससे भी ज्यादा हो गया। तो मतलब कि अभी नहीं मुझे पता कि ये चीजें वैसे वहां पे स्टिल मौजूद है कि या नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मैं तब आपको तब की बात बता रहा हूँ, आज से 10-12 साल पहले।
तो मैं भी कहता था जब ये इंडिया मीडिया मीडिया सुनता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि यार ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम देखते सिर्फ एक पेज थे, दूसरा पेज तो हमारे लिए वो तकरीबन बंद और वाइट क्या कहते हैं शुगर कोटेज होता था, तो हमेशा दूसरा ही गलत लगता था। तो ये चीज सच्ची है कि वहां पे आपको ये बताते हैं कि जन्नत में आपको 72 हूरे वाली जो बात है ये वहां पे बहुत फोकस की जाती है, और ताकि आपकी जो शहवत है वो जागे, तो इस तरह की आपको ये गाजी है, यहाँ तक बताते हैं कि अपनी स्टोरियां बताएंगे कि हमने इस तरह किसी हिंदुओं को पकड़ा और वहां पे उनको मारा, फिर वहां से माल लूटा, माले गनीमत, तो कोई वहां से हमें वर्दियां मिली, यूनिफॉर्म्स मिले, कोई क्या ब्रिगेडियर बना हुआ है इंडियन आर्मी का, कोई कुछ बना, इस तरह की बातें बता के ब्रेन वॉशिंग करते थे। तो भाई वहां से हमारे निकल, जो है वो अंदर की बातें आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, क्या क्या बोलकर, भाई उसका हिस्सा रहे हैं, गौर से सुनिएगा आप लोग। जी फिर हाँ, तो फिर जब मैंने वहां से निकलने था 6 माह के बाद तकरीबन मैं वहां से निकला, और वो मैं नई स्टोरी आपको यहाँ पे शेयर करूँ मैं कैसे निकला, लेकिन वो थोड़ा मैं डिसहार्ट हुआ था कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से, तो फिर मैं वहां से निकला, नहीं तो मेरा निकलने का भी दिल नहीं था करता। मेरे पास मोबाइल था, कुछ पैसे थे, जब मैं गया था पैंट शर्ट पहनी हुई थी मैंने, उन्होंने वो मोबाइल लिया, पैसे लिए, मुझे कपड़े पहनाए दूसरे, ये कहते ये काफर या लिबास है इसको छोड़ो, ये परो ये इस्लामी लिबास है। फिर वहां पे आपको सच्ची में ये मुसलमान, आप अपने गिरेबान में जान के देखो, मैं भी मुसलमान था और बहुत कट्टर था, तो ये हर बंदे को पता कैसा होता है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि नहीं वहां पे बताया जाता है, या ये ज्यादातर ना ये एक फिरका है, ये वहाबी कहलाता है, ये अपने आप को वहाबी कहते हैं, आपको पता है इन पाकिस्तान में इस जी तरह जी के, पता हाँ है। वहाबी कहलाते हैं ये अपने आप को, तो ये इस तरह बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं आपको बेचेंगे, और मैं उसका हिस्सा रह चुका हूँ। ठीक है, तो फिर मैं 6 माह के बाद वहां से निकला था, और उसके बाद मैं गया वहां पे मिनहाजुल कुरान, जो डॉक्टर तारुल कादरिया है ना हाँ उसके मदरसे में, वहां से निकल गए, हाँ क्योंकि हमारे उधर ना ये बहुत होता है कि आपका जी फिरका चेंज हो गया बच्चा, मतलब फिरका चेंज हो गया फिरका वापस लाओ, क्योंकि मैं पीछे से सुन्नी था, तो वो सुन्नी भी बहुत कट्टर था, नाते वगैरह पढ़ना ये वो कट्टर था सुन्नी भी, मतलब के वो लबैक वाला लबैक या रसूलल्लाह सरतान से जुदा वाला, तो क्योंकि बचपन था इसी चीज पे यकीन रखते थे, नारे वगैरह लगाने गलियों में ईद मना, वो जब जैसे कि आपको पता वो अभी ईद मिलादुल नबी आने वाले, तो ये 12 रबीउल अव्वल का अभी अभी मैंने, मुझे तकरीबन 6-7 माह पहले पता चला कि ये जो हम करते थे वो तो जिक्र ही नहीं है 12 रबीउल अव्वल का ना, कहीं किसी किताब से भी नहीं आपको मिलता। तो मसला ये है कि ये हम झूठ ये लोग कैसे बोल लेते हैं कि ये हम पीसफुल हैं, हम ऐसे हैं, हम ये नहीं करते, करते भी हैं, ये कैसे कर लेते हैं, अपने आप को कैसे धोखा दे लेते हैं, चले किसी को तो दे लिया, मैं आपके सामने कुछ झूठ बोलूंगा, लेकिन अपने आप को इसे कैसे बोल लेता हूँ, ये अपने आप के नहीं सगे होते कि अपने आप से नहीं सच बोलते कि यार मैं वाकई ही ये हम में ये चीज है, और हम अगले को गलत बता रहे हैं, अगले को तो बता लिया लेकिन खुद से भी तो बोला ना झूठ, ये कैसे कर लेंगे। तो फिर मैंने ना वहां भी मेरे से एक हादसा ये हुआ था कि वो बंदा ना जो जब ट्रेनिंग था मरीज के में था, तो उसकी बेटी, मैं उसका नाम बता देता हूँ, गाजी तारिक साहब जो टीचर थे वहां पे जो ट्रेनिंग वगैरह करवाते थे, तो उसकी अपनी बेटी शॉर्ट्स पहने हुए हैं तकरीबन, शायद तो छोटी थी 8-9 साल की होगी, बच्ची थी, लेकिन वो दूसरों को ऐसे नॉलेज दे मतलब तलीम देते थे कि भैया आपने ये नहीं करना, ऐसे रहना है, इस्लाम ये सिखाता, और खुद की फैमिली जैसे अब्रॉड है मतलब यूरोपियन स्टाइल कल्चर इस तरह का, तो इनके जितने भी मौलवी आपने देखे होंगे ये खुद बहुत खुले डुले होते हैं, और दूसरे को ये बंद करते हैं पर्दे के पीछे, भैया आप पीछे को दे, जैसे हमारे वहां पे है क्या नाम है इसका मौलवी है यार, जेन में मेरे नाम आ रहा बाहर नहीं निकल रहा, एकदम नाम मत बताए आप।
तारक जमील नहीं, मौलवी है नॉर्मल, फेमस पब्लिक पब्लिक पर्सनालिटी है ना तारक जमील साहब। तो ये साहब आपको औरत की बिकनियां चड़ियां ये सारी बेचते देखे जाएंगे, इनके ब्रांड्स हैं, और खुद ये इस चीज के खिलाफ होंगे कि नहीं ये जी हराम है, और खुद इनके ब्रांड है बने हुए, खुद भी यूज करते हैं, लेकिन दूसरों के हैं ला ये तो हराम है। तो ये सीन है इनके, मैं आपको सही बात है, ये इनमें मुफ्ती और जो ये जितने सेलिब्रिटी मुफ्ती मौलाना साहब है ये बहुत बड़े हिपोक्रेट होते हैं, ये दुनिया भर के मजे लेते हैं और फिर आवाम को ऐसा बताएंगे जैसे भाई आपने एकदम सीधी सादी जिंदगी गुजारनी है, कुछ राह से भटकना नहीं है। तो ये तो इनमें तो दिखता ही है, ये मुसलमान कब तक बेवकूफ बन के रहेंगे मुझे समझ में नहीं आता। बेसिकली ये सब मजहबों में ही सेम है, आपको जितने भी मजहबी जो करतरदता होगे ना ये सारे सेम ही है, आप किसी भी देख लें इस तरह के पंडित को मौलवी को ये सब सेम ही होंगे, ये खुद अमीर तरीन होंगे, अय्याशियां करेंगे, तो जो अवाम होगी उनको कहेंगे बस आप चंदा दो आप ये करो, और ये धन जमा नहीं करना दौलत जमा नहीं करनी ये आपके लिए आग है, तो इस तरह की बातें ये अगले को बताएंगे। तो आपको क्या क्या चीज गलत लगी इस्लाम में? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिए, कुछ पांच मेजर पॉइंट बताएं फिर हम मोमिन हजरात से भी बात पूछ लेते ना कि आपको क्या क्या कोई चीज अच्छी लगी इस्लाम में। अरे वाह वाह वाह, ये तो एकदम एडम साहब वाली बात है कि कोई चीज अच्छी लगी मतलब कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगी इस्लाम। हाँ तो ये जल्दी जवाब दे देता ना मैं। कुछ चार पांच चीजें बताएं। हाँ बेसिकली आप सबसे पहले हकूक की, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज को परखा जाए ना जब किसी चीज को किसी चीज पे भी तो देखा जाता है कि उसका जो इंसाफ का लेवल है वो कैसे, किसी कंट्री को कहीं भी देखना हो, ब्लास्फेमी हर जगह होती है, हर मुल्क में होती है, मजहब के नाम पे नस्ल के नाम पे, लेकिन देखा जाता है कि वहां पे सजा जजा कैसी है, सजा मिलती है इसकी अगले को या नहीं। आपको आपको कत्ल देख लें, कोई मर्द करता है तो कोई मुसलमान करे कत्ल तो उसकी जजियत है, नॉन मुस्लिम करे तो उसकी फांसी है, वो सरतान से जुदा है उसका। औरत के हकूक देख लें, औरत को आधा समझा गया है, मतलब कि अपनी मैं माँ को, ये इतने गाली नहीं देना चाहता, इतने थुरे हुए लोग होते हैं कि ये अपनी माँ को आधा कहते हैं, ये सेम ही बात माम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी आधी अकल है, कैसे कह सकते हो आप अपनी मदर को ये चीज। तो और भी जैसे कि ये कुरान पे ये कहते हैं कि वो चेंज नहीं हो सकता ये है वो है, तो उसमें काफी गलतियां मिल जाती हैं आपको। 1900 कुछ में इसकी 27 का तकरीबन वो थी जो पहली प्रिंटिंग हुई थी, जब उससे पहले इसके 27 वर्जन थे कुरान के, हिस्ट्री से मिल जाते हैं ये चीजें हमें। तो अभी ये लोग समझते हैं कि इस्लाम में गलती तो मतलब क्लेम करते रहते हैं, अगला बताएगा भी ना, जब बताएगा ना पहले क्लेम खुद ही कर लेंगे, जब बताएगा कहेंगे गुस्ताखी हो गई, मतलब इतने ये डरे हुए लोग होते हैं कि किसी को बात तक नहीं करने देते इस पे, तो खुद ही पूछ लेते हैं, खुद ही कहेंगे, क्लेम खुद ही करेंगे, इस्लाम देखा हर किताब चेंज हो गई, कुरान का भी नहीं चेंज हुआ, अब किसी को बात तो करने दो, आप जब किसी को बात करने देते नहीं, जब कोई करे तो आप उस पर गुस्ताखी फतवे ये वो कर देते, तो कैसे अगला जवाब देगा। तो फिर मेरी तरह के बंदे कह देते हैं हाँ ठीक है भाई बस बहुत अच्छी किताब है, कुरान इज द बेस्ट, तो यही, लेकिन आप दिल से तो नहीं ना किसी को तस्लीम कर। अभी पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का काजी, तो मेरी उससे पोलिटिकल है, मतलब मैं उसको नहीं अच्छा समझता पोलिटिकल, लेकिन उसने एक फैसला दिया था वहां पे कादियानी अहमदिया, पता है आपको ये जो फैसला हुआ अभी पाकिस्तान में जो शोर डाला हुआ है, उन्होंने ना कादियानी उन्होंने अपना हक मांगा कि मतलब जज ने कहा कि आप अपने घर के अंदर इबादत करो, आप अपने घर के अंदर ही सारा कुछ कर सकते हो, मतलब बाहर नहीं। तो ये जो लंडे के मोमिनीन है इन्होंने वहां पे भी शोर डाला हुआ कि इनको घर में भी खाने पीने भी ना दो, इनको बस इनके लिए जिंदगी तंग कर दो, मार दो बस, मतलब कि
अगर यही कानून यही सेम चीज उठाओ आप इधर से और 1400 साल पीछे चले जाओ, सेम कानून 295 से हर चीज उठा के 1400 साल पीछे चले जाओ और समझो कि एसआईओ ने ये कानून बनाए हुए हैं, तो फिर तो आप खत्म हो जाते हैं लोग। हाँ फिर तो आप भी आपकी तो नस्ल ही ना बढ़ती फिर। सही बात। तो सोशल मीडिया ना आप बच जाते हो, फिर यही कानून अगर आप पे अप्लाई कर दें तो आप भी तो वही कादियानी ही हो, सेम ईसाइयों के कादियानी आप हो और क्या कहते हैं यहूदियों के कादियानी। हाँ यहूदियों के कादियानी जो है ईसाई है। तो दूसरा ये मिलाते हैं अपने आप को कि पहले ना, पहले मैं जब शुरू में डायरेक्ट में ऐसे चेंज नहीं था हुआ, शुरू में मैं ये समझता, पहले मैं आया था कुरानिस्ट बना था मैं। हाँ। जो पहला स्टेप होता ना किसी का सोच, मसला यह है कि जब बंदा अपनी अकल यूज करना शुरू कर देता ना, सवाल करना, आप कुरान हाँ। पढ़ो, किसी से नहीं खुद से सवाल करो, क्या बात। तो जब आप सवाल करना से शुरू हो जाओगे ना, आपको खुद ब खुद जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सही फरमाया। हाँ हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में, मैं भी ऐसे ही था, मैं अपने क्या करता था कि जब कारी साहब को सबक सुनाता था ना, तो ये दो सफ़े सुनाए हैं, तो एक सफ़ा मैंने ऐसे ही आगे किसका देना है, छोड़ देना मैंने, तो वो क्यों छोड़ देता कि कुरान को मुकम्मल जल्दी करना है, मतलब कि बच्चों को क्या लगे यार, ये आप तंग करते हो बच्चों को बचपन से कि आप सिखा देते हो कि बस इस्लाम इज़ द बेस्ट। तो आप ये कहते हैं कि हमारी आबादी है, अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे ने क्लेम किया था ना आपको, हमारी बात मुसलमान ज्यादा, वो बच्चा जो कर रहा था हाँ। ज्यादा, उसको मैं कहता हूँ कि गूगल आपके पास है, अगर वो सुन रहा होगा या और कोई मोमेंट सुन रहा होगा, तो उसको कहता हूँ कि 1974 में पाकिस्तान की आबादी चेक करें, 50 मिलियन है, और आप चेक करें 260 समथिंग है, मतलब कि आपने 40 साल में कितनी तरक्की की है, और यहाँ से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, आपको यहाँ से सिर्फ पाकिस्तान की आप चेक कर लें, तो नंबर हर चीज आपके पास है और आपको जवाब मिल जाएगा कि मुसलमानों की आबादी, मतलब कि पाकिस्तान में आप देख लें कि क्या कहते हैं कि 500% तो लोग वहां पे बढ़ गए हैं तकरीबन 40 सालों में, एक पीढ़ी में, एक जनरेशन 30 साल की होती है, तो इतनी देर में इतने बढ़े हैं। तो ये लोग हैं बस सोचते नहीं है, अकल को यूज नहीं करते, जिस दिन ये अकल को एक सवाल भी कर लेंगे ना मजहब के ऊपर, एक सिर्फ एक करने की देर है, उसके जो आप बकायदा दोबारा वो शुरू हो जाएंगे, वो इनका फर्स्ट स्टेप होगा अकलमंद होने का, जिस दिन ये सवाल कर लेंगे। तो बात यही है, हमारे प्यारे भाई कह रहे हैं मोमिनों से, ये उस स्टेज से गुजरे हैं भाई जहाँ नॉर्मल मोमिन भी नहीं गुजरता है, बाकायदा कैंप वैम्प में जहाँ मिलिटेंट्स बनाए जाते हैं उस तरीके के कैंप्स में इनकी भर्ती हुई थी, तो इनको अच्छे से अंदर की बातें पता है। और ये कह रहे हैं कि मोमिनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो सवाल नहीं करते। सवाल करें, जब आप कुरान पढ़ते हैं, पहली बात तो आप लोग कुरान पढ़ते नहीं है, कह रहा हूं कि पढ़ो और सवाल करो, कभी भी ना कहें, आप जब भी कोई आता मोमिन आपने उसको यही मशवरा दें भाई आप तर्जमे के साथ कुरान पढ़ो, ये पढ़ते हैं अरबी के साथ। हाँ। देखिए पाकिस्तान में इनकी तलीम होती है इंग्लिश में, लैंग्वेज स्कूल में बोलनी होती है उर्दू, घर में बोलनी होती है ज्यादातर पंजाबी सिंधी बलोची, और मजहब इन्होंने पढ़ना होता अरबी में। ठीक है, तो क्या 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 बनेंगे हम लोग, बताए ना फिर, मजहब हमारा। ठीक है, माए अपने बच्चों को अपनी जो मदर लैंग्वेज है वो नहीं बोलने देती उर्दू पे, मतलब को वहां पे कल्चर फैशन है इस तरह का, मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, तो क्या कहते हैं इंसल्ट समझी जाती है अगर कोई बच्चा पंजाबी बोले तो। तो ये सीन है कि जब, क्योंकि जब आप अपनी जो तलीम होती है ना, वो जब आप अपनी जुबान में पढ़ोगे ना, कोई भी जुबान हो आपकी, हिंदी उर्दू जो पंजाबी, उर्दू है तो उर्दू में पढ़ो, पंजाबी है तो पंजाबी में पढ़ो, जब तक आप अपनी जुबान में आप एजुकेशन ही ना अपनी जो तलीम नहीं लेते, तो आपको समझ नहीं चलेगी। तो बहुत जबरदस्त, तो यार बहुत अच्छा लगा मोहम्मद साहब,
आप जुड़े और थॉट प्रोवोकिंग बातें आपने की है। आई होप हमारे जो मोमिन हजरात सुन रहे हैं कुछ सीखे, आपसे सबक ले। यार भाई के लिए हमारे एक एक गुलाब का फूल जरूर भेजे, बड़े अलग तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी है। वरना एक्स मुस्लिम्स जो आते हैं नॉर्मली, उनका तो हमको पता होता है कि नॉर्मली वो क्या बोलेंगे, लेकिन भाई ने बड़े ही अच्छे अंदाज से और अलग तरीके से अपनी बात रखी है। तो हमारे एडिटर साहब अगर सुन रहे हैं तो इस वीडियो को अलग से भी डालिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखे, सुने, समझे आपका भी। और मैं बात सुनो, मैंने आपको जो देखना शुरू किया ना, वो मैं देखा, वो जो न्यूज नहीं थी क्या कहता इस्लाम, वहां से शुरू की। पहले मैं आपको देखता था नफरत की नजर से, आप और एडम सीकर भी वहां पे होते थे एक दो, पहले आपको आप मेरे विलन थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप, मतलब जब मैं सवाल, मतलब कि मैं जब शुरू हुआ था ना, जब शुरू तो मैं यही था, नफरत में हुआ था, ओए इसने ये कहा इसको मैं जवाब देता हूँ, वो आप जवाब ढूंढे, ये सही, आप जब करती है ना सवाल उसको बोलेंगे ठीक है भाई तुम मुझसे नफरत कर, जा ढूंढ लेके आ इसका जवाब, ठीक है। तो इसमें आप गुस्सा नहीं करिए, जब कोई मोमन आता आपसे कोई गाली गलोच करता ना, तो मेरे ख्याल से आपको भी थोड़ा गुस्सा नहीं, क्योंकि उन बेचारे ये ज़हनी बीमार होते हैं, सही क्या कहते हैं कि ये ज़हनी मजूर होते हैं फेथ में ईमान पे, तो उन बेचारों को खुद नहीं पता होता, बुरे इंसान नहीं होते ये, बस नहीं इनको पता नहीं होता दूसरी साइड का क्या चीज है वहां पे। तो थैंक यू सो मच यार मोहम्मद साहब, देखे कितने लोगों ने आपके लिए गुलाब भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू, ओके वेलकम, ओके जी, सी यू नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा लगा, खुश रहिए प्यारे भाई, ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। चलिए यार ये तो बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके।